स्त्री सृजन और सरोकार विषय पर आज रायपुर सर्किट हाउस में विस्तृत चर्चा हो रही है। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग पोएट लेखक जो है वो पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त लेखिका हैं, कवित्री हैं, लवली गोस्वामी जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये जो विषय है जिस पर आज आप लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये विषय स्त्री है, स्त्री लेखन, समकालीन स्त्री लेखन, यानी कि उसमें किस तरह की धाराएं हैं, हमारी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कला रूप में हम किस तरह से सामने रखते हैं, और कविताओं में, कहानियों में, विमर्शों में इस वक्त क्या हो रहा है। एक स्त्री की समस्याओं को जो 20वीं शताब्दी से या कहें कि 4000 वर्षों से चली आ रही है, उसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। कुछ चार लाइनें जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप कहना चाहें। चार लाइनें आज के परिप्रेक्ष्य में तो मैं क्या ही कहना चाहूँगी। मैं कविता लिखती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं चार लाइनें आशाओं पर सुना देती हूँ। तो इसका शीर्षक है एक प्रेम कविता का सच। दुखों के कितने ही घाव जब एक साथ टीसते हैं, तब आँखों से अंजुरी भर खारा पानी बहता है। ढाई गज रेशम की चुनर कई इल्लियों की जीवन भर की मेहनत का नतीजा है। फूलों की एक बड़ी माला में पूरे बगीचे का वसंत कैद होता है। इसलिए कभी किसी कवि से यह मत पूछना कि वह फिर से प्रेम कविता कब लिखेगा। प्रेम की एक कविता ताल्लुक के कई सालों का दस्तावेज है। तो अभी हमारे साथ ही देश की जाने मानी कवित्री लवली गोस्वामी जी, कैमरा पर्सन गणेश के साथ स्वाति कौशिक, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।